हेलो स्टूडेंट मैं डॉक्टर नसरीन बानो आज हम एलगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे ऑल एलगी एक्सेप्ट द मेंबर्स ऑफ द क्लास साइनोफाइसी रिप्रोड्यूस सेक्सुअली सभी एलगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया है केवल साइनोफाइसी वह ग्रुप है जिसमें कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्ट नहीं किया गया है वेन ग्रोथ कंडीशन आर अनफेवरेबल वेजिटेटिव सेल्स डेवलप हैप्लोइड गमिट्स बाय माइटोसिस more than one gametes are produced in one vegetative cell process of gamete formation is same as zoospores form but these are smaller than zoospores vegetative cell which produce gametes is known as gametangia during sexual reproduction gametes fuse to form zygote normally zygote developed by the fusion of gametes come from the different parents

ये जाइगोड जो होता है ये डिप्लोइड स्टेज होता है लाइफ साइकिल में और यह जाएग, इस जयगोड के अंदर फेवरेबल कंडीशन के अंदर म्योसिस होता है जिससे कि हेप्लॉइड वेजिटेटिव सेल्स प्रोड्यूस होते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व थ्री फेजस प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी एंड म्योसिस यानी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तब कंप्लीट माना जाता है जब उसके अंदर ये तीन प्रोसेस हो प्लाज्मोगेमी हो कैरियोगेमी हो एंड म्योसिस हो Plasmogamy is fusion of two gametes. Karyogamy is fusion of nuclei of both gametes. And meiosis takes place in the zygote formed after plasmogamy and karyogamy. After meiosis, zygote forms new haploid vegetative cells. Fusing gametes may be produced by the same thallus or by two separate thallus. फॉर्मर is कॉल्ड होमोथेलिक और मोनोइशियस एंड लेटर is नॉन as हिट्रोथेलिक और डायोशियस अगर एक ही थैलस के अंदर फ्यूजिंग गैमिट्स अगर प्रोड्यूस होते हैं तो वो होमोथेलिक या मोनोइशियस कहलाता है और अगर फ्यूजिंग गैमिट्स अलग अलग दो सेपरेट थैलस से प्रोड्यूस हों तो वो हेट्रोथेलिक या डायोशियस स्पीशीज कहलाती है नो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ म्यूसिस इन विच progeny cells receive half of their genetic information from each parent sexual reproduction is usually regulated by environmental events when temperature salinity inorganic nutrients depending on the structure physiological behavior and complexity of sex organs sexual reproduction are of the following types first autogamy autogamous सेकेंड होलोगेमस थर्ड आइसोगेमस फोर्थ फिजियोलॉजिकली आइसोगेमस फिफ्थ एनआईसोगेमस एंड सिक्स ऊ सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे ओटोगेमस क्या होता है इन दिस प्रोसेस द फ्यूजिंग गैमिट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम द सेम मदर सेल एंड फॉर्म जाइगोट। प्लांट डेवलप्ड थ्रू ऑटोगेमी डज नॉट शो द इंट्रोडक्शन ऑफ

ये ऑटोगेमस का डायग्राम बताया गया है जिसमें कि एक ही थैलस से एक ही पेरेंट से रिप्रोडक्शन हो रहा है सेकेंड है होलोगेमस इज द सम यूनिसेलुलर मेंबर वेजिटेटिव सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन प्लस एंड माइनस बिहेव एस गैमिट्स एंड फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट ये यूनिसेल्युलर मेंबर हैं तो उनके वेजिटेटिव सेल जो डिफरेंट स्ट्रेन के होते हैं जिनको कि प्लस माइनस मेल और फीमेल के नाम से जाना जाता है जिन्हें कि प्लस माइनस के नाम से जानते हैं वो गेमिट्स का, का काम करते हैं और ये फ्यूज होकर जाइगोड बनाते हैं इट इज़ मोर एडवांस दैन ऑटोगेमी इट इज़ एन इन एफिशियंट प्रोसेस कंसिडरिंग द पॉइंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन एज टू वेजिटेटिव सेल फॉर्म वन जाइगोट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन आर डेवलप्ड बाई दिस प्रोसेस यहाँ पे दो जो स्ट्रेन है प्लस माइनस उनके अंदर फ्यूजन हो रहा है और ये जाइकोड बना रहे हैं यहाँ पर भी उसी तरह का प्रोसेस बताया है नेक्स्ट इज आइसोगेमस इन दिस प्रोसेस बोथ द फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर लाइक इन साइज स्ट्रक्चर एंड देयर बिहेवियर जो फ्यूजिंग गैमेट्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली एक ही प्रकार के होंगे दीज गैमेट्स आर कॉल्ड आइसोगेमिट्स फ्यूजन ऑफ आइसोगेमिट्स इज कॉल्ड आइसोगेमस एक्ससेक्शुअल रिप्रोडक्शन दिस इज अ प्रिमेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन गैमिट्स हैव नेकेट प्रोटोप्लास्ट बट हैव फ्लेजिला द सेल इन विच गैमिट्स आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड गैमिटेंजिया गेमिटेंजिया यूनिसेलुलर एंड हैव नो स्टेराइल जैकेट अराउंड डैम यहाँ पे ये यह दो आइसोगिट्स हैं जो कि प्लस ट्रेन और माइनस ट्रेन से आए हैं फ्लेजिलेटेड हैं और इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो एक सेल जो वॉल है उससे कवर्ड नहीं होता है और इस तरह से ये फ्यूज इनके में फ्यूजन होकर जाइकोट बन रहा है आइसोगेमस इन दिस प्रोसेस द फ्यूजिंग गैमिट्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट द मेल और माइक्रोगेमिट आर स्मॉलर एंड मोर एक्टिव वेर इज द फीमेल और माइक्रोगेमिट्स आर लार्जर एंड लेस एक्टिव एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास ब्रोनाई यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्लस ट्रेन है वो बड़ा है साइज में और माइनस ट्रेन जो है वो छोटा है जो कि माइक्रोगिट कहलाएगा और ये मेगागैमिट कहलाएगा जो स्मॉल है माइक्रोगेमिट मोर एक्टिव होगा और इस तरह से ये फ्यूज करके जाइकोट बना रहे हैं फ्यजियोलॉजिकली एन आइसोगेमस व्यूजिंग गैमिट्स और मोर्फोलॉजिकली सिमिलर But show physiological difference; it is called physiological anisogamy. They show physiological variation with plus and minus strains. Gametes of plus strain are passive and behave as female gamete. Gamete of minus strain become active and behave as male gamete. Example: Zygnema, Spirogyra, etc. Next is oogamous. It is an advanced type of reproduction. फ़र्टिलाइजेशन टेक प्लेस बिटवीन अ स्मॉल मोटाइल मेल गैमिट और स्पम और एंथरोजॉइड्स विद अ लार्ज नॉन मोटाइल फ़ीमेल गैमिट और एग और ओवम यहाँ पे जो फर्टिलाइजिंग गैमिट हैं तो वो स्मॉल मोटाइल मेल गैमिट होगा जो कि स्पम या एंथरोजोइट के नाम से जाना जाता है जबकि लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमिट होगा जो कि एग या ओवम के नाम से जाना जाता है और इस प्रकार का रिप्रोडक्शन जो है ये एडवांस टाइप का है मेल गैमेट्स डेवलप विद इन एंथ्रीडियम वेयर इज द फीमेल गैमेट विद इन द उगोनियम गैमेट्स डेवलप विद इन एंथ्रीडिया आर स्मॉल एक्टिव फ्लैजिलेटेड एंड डेवलप इन लार्ज नंबर्स एंड फीमेल गैमेट इज लार्ज एंड पैसिव एंड आर रिप्रोड्यूस सिंगली एंड आर प्रोड्यूस्ड सिंगली जो मेल गैमेट होते हैं वो स्मॉल होते हैं एक्टिव होते हैं फ्रेजिलेटेड होते हैं और लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं जबकि फीमेल गैमेट जो होता है वो लार्ज होता है पैसिव होता है इनएक्टिव होता है और दूसरा ये सिंगली प्रोड्यूस होता है इन दिस वे मेल एंड फीमेल गैमेट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज मोटिलिटी बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर इन ओ रिप्रोडक्शन एग्ज़ाम्पल उडोगियम वोजीरिया कारा लेमिनेरिया सर्गासम पोलिसाइफोनिया एंड बेट्रेकोसपर्मम ये सभी एडवांस जनरा माने जाते हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं जो उगोनिया बनेगा वो सिंगली बन रहा है जबकि स्पर्म जो बन रहे हैं वो बहुत डिविजन के द्वारा बन रहे हैं ये स्मॉल साइज के हैं और फ्लेजिलेटेड हैं इनमें जब आपस में फ्यूज़न होगा तो जाइगोड बनेगा तो ये उग बस टाइप का रिप्रोडक्शन कहलाता है After sexual fusion of gametes zygote forms zygote secretes a thin wall which later become thick and three layered zygote is the only diploid structure in life cycle it is called zygospore it passes through resting stage after resting period zygote germinates diploid nuclei of zygote undergo meiosis and form four haploid cells each cell develop into a new haploid plant यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जब जयकोड फॉर्म होता है तो वो थिन वॉल्ड होता है लेकिन वो अपने आसपास एक थिक और थ्री लेयर्ड वॉल डेवलप कर लेता है जायकोड जो होता है ये डिप्लोइड स्टेज होता है केवल डिप्लोइड स्टेज के जाना जाता है लाइफ साइकिल में इसको जायगोसपुर के नाम से भी जाना जाता है और ये इसके बाद में कुछ रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है रेस्टिंग पीरियड के बाद में जब ये जर्मिनेट होता है फेवरेबल कंडीशन आने पर तो इसमें म्योसिस के द्वारा चार हेप्लॉइड सेल बनते हैं और ये हर जो हैप्लॉइड सेल होता है ये एक हेप्लोइड प्लांट बना लेता है ये हमें यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है जाइकोट है जो कि रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है फेवरेबल कंडीशन आने पर ही जर्मिनेट होता है इसके अंदर म्योसिस होगा चार म्यूसपोर्स बनेंगे जो कि हेप्लोइड प्लांट डेवलप करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एलगी A sexually reproducing organism typically has two phases in their life cycle in the first stage each cell has a single set of chromosome and is called haploid stage the plant with single set of chromosome is called gametophytic plant gametophytic plant produce haploid gamete by mitosis when one haploid gamete fuses with another haploid gamete during fertilization the resulting combination is called a zygote यानी लाइफ साइकिल जो हम हल्गी की देख रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि इसके दो फेजेस होते हैं फर्स्ट स्टेज वो होती है जिसमें कि उसमें सिंगल सेट होता है क्रोमोजोम का जो कि हेप्लोइड स्टेज के नाम से जानी जाती है और ये सिंगल सेट जब अगर क्रोमोजोम का होता है प्लांट में तो वो गेमिटोफिटिक प्लांट कहलाता है गेमिटोफिटिक प्लांट जो होता है वो हेप्लोइड हैप्लोइडेमिट माइटोसिस के द्वारा प्रोड्यूस करता है जब हेप्लोइड हेप्लोइडेमिट दूसरे हेप्लोइड हेप्लोइडेमिट से फ्यूज होते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम तो वो एक डिप्लोइड स्ट्रक्चर जाइगोट का प्रोड्यूस करते हैं डिप्लोइड सेल इन दिस स्टेज इसको स्पोरोफाइट बिकॉज दे प्रोड्यूस स्पोर्स आइदर इमीजिएटली और आफ्टर सम टाइम अ डिप्लोइड सेल अंडरकोज रिप्रोडक्टिव रिडक्टिव सेल डिविजन प्रोसेस जो कि म्योसिस कहलाता है ड्यूरिंग म्योसिस द क्रोमोजोम नंबर ऑफ अ डिप्लोइड स्पोरोफाइट इज हाउड एंड द रिजल्टिंग डॉटर सेल आर हेप्लॉयड दीज हेप्लॉयड सेल्स एक्ट डायरेक्टली एज न्यू इंडिविजुअल इमिजिएटली और आफ्टर सम टाइम न्यूली डेवलप्ड प्लान अगेन प्रोड्यूस गैमिट्स जयगोड बनने के बाद जो डिप्लोइड स्टेज आ जाती है वो स्पोरोपोरोट कहलाती है क्योंकि यह स्पोर प्रोड्यूस करती है कुछ टाइम बाद जो डिप्लोइड सेल होती है उसके अंदर रिडक्टिव सेल डिविजन या म्योसिस होता है जिससे कि इसके जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो आधे रह जाते हैं और ये जो हैप्लोइड सेल होती हैं ये एक न्यू इंडिविजुअल का काम करते हैं और कुछ टाइम बाद ये वापस से जो हैप्लोइड गैमिट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं तो ये सब हो सब